फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं, मैं दास अरविंद। अभी हम रक्सौल बॉर्डर से नेपाल कैसे जाएंगे उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहे वीडियो। रक्सौल बॉर्डर जो कि इंटरनेशनल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, रक्सौल बॉर्डर के पास ही पड़ोसी देश नेपाल है। रक्सौल जो कि दिल्ली और काठमांडू नेपाल का मुख्य मार्ग है, इसी बॉर्डर के रास्ते नेपाल आसानी से जा सकते हैं। रक्सौल रेलवे स्टेशन रेलवे फाटक मेन रोड से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। रक्सौल मार्केट के बारे में बात करेंगे तो रक्सौल शहर के आसपास जितने भी छोटे बड़े शहर हैं या गांव हैं, सभी मार्केटिंग के लिए रक्सौल बॉर्डर आते हैं और नेपाल और रक्सौल शहर में आना जाना रहता है। अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो रक्सौल बॉर्डर से कैसे जा सकते हैं, रेलवे फाटक से ऑटो लेंगे, रक्सौल के रेलवे फाटक से ऑटो लेंगे और इंडिया कस्टम होते हुए नेपाल मार्ग में प्रवेश करेंगे और नेपाल के शंकराचार्य गेट के पास करते हुए भंसार के पास से होते हुए बिरगज बस पार्क पहुंचेंगे। वहां से आप बस या रिजर्व करके कोई भी गाड़ी नेपाल घूमने के लिए जा सकते हैं। जैसे कि हमने रक्सौल बॉर्डर से ऑटो ले लिया है, अब बैठ चुका हूँ गाड़ी में और जाने वाला हूँ नेपाल, तो देखते रहिए। अब यहाँ से हम सीधे शंकराचार्य गेट को पार करेंगे और नेपाल के अंदर प्रवेश करेंगे। अभी बिरगज जाएगा, अभी कुछ ही देर में भंसार आने वाला है। तो वीडियो में बनने के धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रक्सौल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।